हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल समारास कुकिंग वर्ल्ड। आज हम बना रहे हैं केएफसी स्टाइल का चिकन फ्राई। इसको बनाना बहुत आसान है। चलिए हम देख लेते हैं इसको बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने हैं। क्रिस्पी चिकन फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने लिया हुआ है 600 ग्राम चिकन, और देखिए इसको ऐसे कट्स लगाए हुए हैं, ये इसको ऐसे कट्स लगाना है। और जो हमें इसमें मैरिनेशन में मसाले लगना है वो इस तरह है। 2 टीस्पून लेना है हमको विनेगर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। और हमें चाहिए इसमें 100 ग्राम दही। मैरिनेशन के लिए हम एक बड़े बाउल के अंदर अपना जो 100 ग्राम दही है ये मैंने अच्छे से फेंट लिया था, ये डालेंगे। और इसके साथ हम इसमें मिलाएंगे ये 200 ml पानी। इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे, ये देखिए। इसके साथ हम इसमें मिलाएंगे अपनी सारी स्पाइसेस, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये विनेगर। इसको अच्छे से मिलाएंगे। इस घोल में हमको अपने चिकन को डिप करना है, सारे पीसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम अपने चिकन पीसेस डालेंगे। इसको या तो 2-3 घंटे के लिए रखेंगे, या आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए देखिए इसमें ये सब डिप हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपको टाइम है तो आप लोग नाइट में इसको मैरिनेशन कर सकते हैं, फिर आप इसको मॉर्निंग में फ्राई कर लें। ये हमारा मैरिनेट हो गया है। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था और अब बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, और इसके पीस हम बाहर निकाल लेंगे। और मैं अब आपको बताऊंगी कि सेकंड कोटिंग अब हम इसमें क्या करेंगे। देखिए अब हम इनको सारे पीसेस को इसमें से बाहर निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे निथार निथार के। ये जो हमारे चिकन के पीसेस हैं, ताकि इसमें से पूरा पानी निकल जाए। अब हम 2 कटोरी मैदा लेंगे, ये 1 कटोरी है, और इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से छान लिया है। ऐसे 1 कटोरी और लेंगे, और ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। हम मैदे में जो मसाले डालेंगे स्पाइसेस वो ये रहे, 1 टीस्पून इसमें है हमारा नमक, 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 अंडा मैं बताऊंगी कि हमको किस चीज़ में मिलाना है। देखिए अब हम ये एक बड़े बोल में ये 2 कटोरी मैदा डालेंगे अपना। मैदा हम ज़्यादा लेंगे ताकि आराम से हमारी इसमें कोटिंग हो जाए। और 1 ये स्पून का जो हमने लिया था बड़ा, ये कॉर्नफ्लोर, इससे क्रिस्पी और बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। अब हम स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, काली मिर्च, और ये हमारा नमक। अब इनको हम
सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारी कोटिंग होनी है। ये हम इनको अच्छे से सूखा मिलाएंगे और हमारा ये सूखी बाइंडिंग ही होगी उसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है सारा। अब देखिए ये जो हमारा मैरिनेशन का पानी बचा हुआ था, जो मैंने रात भर जिसमें मैंने मैरिनेट करा हुआ था अपना चिकन, ये इसके अंदर हम अब अपना एक अंडा फोड़ेंगे। इसमें नीचे सारे स्पाइसेस हैं और इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। देखिए ये हमारा अंडा इसमें बहुत अच्छे से मिल गया है और हमें इसकी कोटिंग जो है पतले में करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं हो। अगर आप गाढ़ा हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। और ये हमारी ड्रायर सारा चीज़ें जो है मिक्स करके रखी हुई हैं, ये तैयार रखेंगे। और अब हम सबसे पहले अपने चिकन पीसेस एक एक करके उठाएंगे। पहले हम इसको इसमें मिक्स, ये देखिए ऐसे सूखे इसमें डिप करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हम अच्छे से इसको झटकार के फिर हम इसमें डिप करेंगे। और इसमें से डिप करके निकाल के फिर हम इसको वापस से फिर इसमें डिप करेंगे, तभी बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार चिकन तैयार होएगा आपका। फिर इसको अच्छे से ऐसे और फिर इसको वापस से हम अपने लिक्विड मैरिनेशन में डालेंगे। ये देखिए फिर इसका पूरा जितना एक्स्ट्रा पानी निथर रहे ये निकाल के, और फिर हम इसको हम दो बार डिप करेंगे इसमें लिक्विड में, और तीन बार हम इसको अपने मैदे में करेंगे। और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और फिर इसको हम निकाल के एक तरफ रख देंगे। ऐसे सारे ही पीसेस को हमें, देखिए सारे पीसेस को हमें ऐसे ही एक्स्ट्रा जितना भी उसमें वो है, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। और हमें निकाल निकाल के वैसे रखना है, ये सारे ऐसे बनाना है। देखिए देखिए ये सारे मैरिनेट कर हो गए थे, उसके बाद हमने इन सब पे कोटिंग कर दी है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए हमने पैन में तेल ज़्यादा लिया है ताकि ये सारे डिप हो जाएं, और अब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और हम ये सारे पीसेस जो हैं ये इसके अंदर डालेंगे एक एक करके। ये देखिए बस हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा ये ऑयल का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और अभी इसको पलटेंगे नहीं। देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, हम इनको 1 मिनट और फ्राई करेंगे बस, और फिर इनको बाहर निकालेंगे और इनकी प्लेटिंग करेंगे। ठीक, ये हमारा गोल्डन कलर आ गया है, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको निकालेंगे, ये कंप्लीट है और बहुत क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए ये कंप्लीट है हमारा चिकन फ्राई KFC स्टाइल। आपको देख के लग ही गया होगा घर में बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसी तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपियाँ आगे दूंगी, तो घर में बनाइए और एंजॉय करिए। और अगर पसंद आता है आपको तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।